वनकम वंदनम स्वागत है नमस्ते ये सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ गागे क्लासेस के इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया और एक्सप्लेनेशन पेज के डिस्कशन पे। देखिए आज दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है पूरे न्यूज़पेपर में, क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन पेज पे उस पर देखोगे, आप फ्रंट पेज पर तो एडिटोरियल में पॉलिटिकल ज़्यादा है, ठीक है, वोटिंग के ऊपर, इलेक्शंस के ऊपर। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो है, हम यहाँ दो आर्टिकल्स हैं, एक तो है आपका पीस क्लॉज के बारे में, मतलब आपको पता है कि काफ़ी टाइम से ना यूक्रेन और जो रशिया है, ठीक है, यूक्रेन और रशिया जो है इनके बीच में वॉर चल रहा है, तो अब फाइनली जाके जो आपका स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है, जो अल्पाइन देश का एक रिप्रेजेंटेटिव है, या ये कह लो कि यूएस की तरफ से यूक्रेन में रिप्रेजेंटेशन देता है स्विट्ज़रलैंड, अब ये एक पीस क्लॉज की बात कर रहा है जो कि जून में होने वाली है, ठीक है, तो उसी के बारे में है। होगा तो ये क्लॉज जून को ही, लेकिन इसमें ये जस्ट एक बार ग्लांस दे रही हैं जो राइटर है हमारी मिस चित्रा, ये बता रही हैं कि वाई स्विट्ज़रलैंड ही इसको होस्ट कर रहा है, क्या है स्विट्ज़रलैंड में, और इतना छोटा देश है वैसे भी स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, और क्या इसकी बात चलेगी, तो इस बारे में है। और इस साइड एक आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में, ये तो सिंपल से एक स्टोरी के फॉर्म में मैं आपको बता दूंगी कि क्या है मुद्दा एक्चुअल में, ठीक है, मेट्रो डेली के इसका मेट्रो पे है। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि आपको पता है कि यूक्रेन का वॉर कम से कम 3 साल हो गए हैं, 2020 के मिड और 21 के स्टार्टिंग से शुरू हो गया था, और अब 2024 आने वाला है, यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। और आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल क्यों रहा है, एक बेसिक मैं ये बता दूं, क्योंकि देखिए जो यूक्रेन है वो नाटो कंट्री में ज्वाइन होना चाह रहा था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं नाटो में, जिसमें यूएस के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कंट्रीज़ के सारे कंट्रीज़ मिले हुए हैं। इनकी पॉलिसी क्या होती है कि जो भी मेंबर, नहीं है सिर्फ वेस्ट की कंट्रीज ही हैं, इंडिया भी अगर चाहे तो नाटो में ज्वाइन कर सकता है, लेकिन इनमें मेन मोटिव क्या होता है ना इन नाटो का, कि अगर जैसे बाय चांस मान लीजिए कि नाटो में कोई कंट्री ज्वाइन हो गई, मान लीजिए इंडिया ज्वाइन हो गई, ठीक है, जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के लिए बता रही हूं, तो उसमें क्या होता है कि अब इंडिया के साथ कोई भी, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी काउंटर जो करता है इंडिया के साथ, पाकिस्तान हो, कोई भी, अगर ये कंट्री अगर इनके साथ इंडिया के साथ अगर ये कंट्री कोई प्रॉब्लम करेगी तो नाटो के जितने भी मेंबर्स होंगे ना वो सब इसके ऊपर अटैक कर देंगे, ठीक है, यही एक मेन मोटिव है नाटो का। तो अमेरिका जो वेस्ट की कंट्रीज है, स्पेशली अमेरिका है और यूरोप की भी कुछ कंट्रीज हैं, है ना, नाटो के अंदर जैसे जर्मन है, फ्रांस है, ये नाटो के मेंबर्स हैं, तो इन लोगों ने जो है अब क्या है कि यूक्रेन को भी ये मेंबर बनाना चाह रहे थे, यूक्रेन जो कि रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, और जो चीज़ रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि अब रशिया का ये मानना था अगर नाटो की कंट्रीज़ यूक्रेन में आ जाएगी तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं इनकी सोवरेनिटी खत्म हो जाएगी और वेस्ट का जो है कहीं ना कहीं ग्लांस जो है आप रशिया के अंडर में देख पाओगे, इसीलिए रशिया जो है ये वॉर कर रहा है, ठीक। अब इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए या इसी चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है कैजुअलिटी हो चुकी है इसकी वजह से, 3 साल बहुत एक मायने रखता है एक लंबा वॉर चलना वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब जो स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है, वो अब पीस क्लॉज को कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर रहा है 15 से 16 जून को, जो आने वाला जून है, ठीक है, तो उसी के बारे में है ये आर्टिकल। तो राइटर इसमें अपना एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रही हैं, देखिए कि अगर मैं अपने से, जैसे ये खुद बता रही हैं कि स्विस का जो डिप्लोमेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि स्विस जो अल्पाइन नेशन जिसको बोलते हैं, अल्पाइन नेशन जो आल्प्स माउंटेन्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर जैसे जिसमें 8 कंट्रीज़ हैं, जैसे इटली है, एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ, हाँ देखिए ये अल्पाइन स्टेट हैं जिसमें ये आपका आल्प्स माउंटेन आता है, उसके सराउंडिंग में जितने भी नेशंस हैं, ठीक है, जैसे ये आल्प्स माउंटेन आ जाता है तो इसके सराउंडिंग में जैसे इटली है, स्लोवेनिया है, स्लोवानिया है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस है, लिचेनस्टीन है, ऐसे करके जो है 8 कंट्रीज़ हैं। और 1991 में ये कन्वेंशन के थ्रू बना था अल्पाइन रीजन करके, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड भी इसमें वन ऑफ द मेंबर है इसमें, जैसे ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है, जर्मन है, इटली है, लिचेनस्टीन है, मोनैको है, स्लोवेनिया, स्लोवानिया और स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड अल्पाइन कंट्रीज़। तो उसी का ही एक रिप्रेजेंटेशन कौन है, स्विट्ज़रलैंड है। तो इन लोगों ने मिलकर जो है अब ये है पीस क्लॉज जो है अब कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे जो राइटर बता रही हैं कि जो अल्पाइन नेशन है जिसमें आपने इटली, मोरक्को, ये सब नेशंस देखे, ऑस्ट्रिया, तो उन्होंने कहा ये एक जोन भी ऑलवेज जो है कॉन्फ्लिक्ट जोन रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो है अभी सैटरडे संडे को भी आपको पता होगा कि 13th और 14th अप्रैल को वापस से जो है ईरान ने इसराइल पर अटैक कर दिया, ठीक है, वापस से अटैक शुरू हो गया। तो यहाँ पे जो है राइटर यहाँ बता रही हैं कि इस अटैक से पहले व्हाइट हाउस को ये मैसेज मिल गया था, वॉशिंगटन को, तेहरान से मैसेज मिल गया था कि कुछ जो है
डिस्ट्रक्टिव होने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ राइटर ये कह रही कि ये चीज़ें तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो अब क्या इसराइल वापस अटैक करेगा? तो ये तो देखने वाली बात है कि लाइव अब की इसराइल का एक्शन क्या होने वाला है। ऑल दो यूके यूएस हो गया, ये इसराइल का ज़्यादा सपोर्ट करते हैं पैलेस्टीन इसराइल में। आपको पता होगा कि ईरान जो है पैलेस्टीन लोगों के साथ जो है सपोर्टिव में है, ठीक है, और इसी के ही जो इसराइल है जिसकी वजह से मेनली प्रॉब्लम शुरू हो रही है उसके अगेंस्ट में है, तो इसी वजह से ये अटैक शुरू हो रहे हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि एक तो ये वापस होना, तो यहाँ ये चीज़ इंडिकेट करता है, राइटर बता रही है कि पीस क्लॉज कितना ज़रूरी है क्योंकि दिन बर दिन वॉर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। और अगर बात करें स्विट्ज़रलैंड की, वाई स्विट्ज़रलैंड, तो स्विट्ज़रलैंड जो है यूएस को प्रेजेंट करता है कब से, हॉस्टेज क्राइसिस होने के बाद से, जो है 1979 के बाद से स्विट्ज़रलैंड जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में एज अ यूएस का रिप्रेजेंटेटिव काम करता है यहाँ पे, ठीक है। और जो है डिप्लोमेसी, और अगर डिप्लोमेसी की बात भी करें स्विट्ज़रलैंड की, तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड है। जिसे देखिए, ऑल्दो डिप्लोमेसी में स्विट्ज़रलैंड ने कभी भी किसी भी कंट्री को एज अ टेररिस्ट तो नहीं बोला, जैसे इसराइल पैलेस्टीन के मुद्दा चल रहा है, लेकिन राइटर्स में बता रहे हैं कि अभी रिसेंटली जो हमास का अटैक हुआ था 7 अक्टूबर के आसपास, आपको पता होगा रेड सी में हमास ने अटैक कर दिया था, तब स्विट्ज़रलैंड ने क्या करा, जो हमास का जो ग्रुप है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। और इसने ये भी बोला स्विट्ज़रलैंड ने कि हमास जो है वो पैलेस्टीन नहीं हो सकता है, या फिर पैलेस्टीन हमास, या हमास पैलेस्टीन नहीं हो सकता है, जो इन जैसे चीज़ों को बढ़ावा दी, ठीक है। तो राइटर यही बता रहे हैं कि अब जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इनकी जितने भी पार्टीज़ हैं, अब वो जो है मिडिल ईस्ट के लिए पीस के रीजन्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबा चलता वॉर है। तो अब इसमें राइटर इसमें बता रहे हैं कि स्विस के जो प्रेसिडेंट है वॉयला अहमर्ड, और उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं इग्नाजियो कैसिस। अब इन्होंने जर्नलिज्म को ये बताया है कि देखिए, अब सीधी बात है कि आने वाले जून तक क्या होगा ये तो अवेयर हैं आप, ये आने वाले टाइम पे अननोन है सबके लिए कि जून तक अब किसका बीच क्या अटैक हो जाए, क्या होगा। तो लेकिन अब जो है हमें ट्रेडिशनली डिप्लोमेट को ध्यान में रखते हुए आगे बात बढ़ानी चाहिए, ट्रेडिशनली डिप्लोमेटिक यानी पीस क्लॉज। अगर वॉर चल रहा है दो पार्टीज़ के बीच में, यहाँ एक पार्टीज़ और दो पार्टीज़ के बीच में, तो बीच में जो है मीडिएशन करके इनको जो है पीस क्लॉज की तरफ शिफ्ट करना इनका मेन जो है ट्रेडिशनल डिप्लोमेट, ठीक है। अब जो है स्विस के जो फॉरेन ऑफिसर्स हैं, इन्होंने कहा है देखिए, अब ये इसके बारे में ये होगा वैसे इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ही, ठीक है, जो पीस क्लॉज होगा, ठीक, यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक। अब इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि पीस प्रोसेस को बढ़ावा दिया जाए यूक्रेन और रशिया के बीच में, ताकि ये वॉर को ख़त्म करे, ठीक है, या फिर इस पर पॉज लगाए। अब रही बात बाकी नेशंस की क्या रिस्पॉन्स है, तो उसमें अमेरिकन के जो प्रेसिडेंट है जॉय बाइडेन, उन्होंने ये बोला है कि देखिए वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो है इसमें रेडी है। अभी चाइना की अगर हम बात करें तो अभी तो वो उसमें कुछ भी नहीं कर रहा है जब तक रशिया इसका जो सपोर्ट है वो कुछ बोले ना, क्योंकि देखिए रशिया का ही कहीं ना कहीं साइड जो है चाइना के साथ भी है। चाइना और रशिया का आपको पता है पिछले 3-4 साल से रिलेशन बहुत पॉजिटिवली चल रहा है, ठीक है। तो राइटर यहाँ बता रहे हैं कि चाइना की तरफ से तो कोई एक्शन या कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, और रशिया ने सीधा सीधा जो है ये बोल दिया कि वो जो है रिसेंटली इसमें इन्वॉल्व तो होगा लेकिन जो है वो आएगा नहीं नेशंस में मीटिंग्स वगैरह में, ठीक है। और रशिया के सीधे पुतिन ने तो नहीं, लेकिन उनके जो काउंटर पार्ट हैं, लाइक उनके जो डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने बात करी है। खैर इसके साथ साथ जो है डिप्लोमेट में जो P5 के नेशंस है, यूएन के आपको पता होगा P5 नेशंस होते हैं जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि जब मीटिंग होगी जून में, तो फर्स्ट वीक की जो मीटिंग होगी उसमें रशिया को बुलाया जाएगा फेस टू फेस, या तो कोशिश होगी कि फेस टू फेस बुलाया जाए और बात कराई जाए, ठीक है। लेकिन अब देखो क्या होता है। और देखिए अब बात आ जाती है कि स्विट्ज़रलैंड, अब स्विट्ज़रलैंड जो है रशिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में रिलेशन कैसा है, यहाँ राइटर बता रहे हैं कि देखिए कि रशिया जो स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि अब स्विट्ज़रलैंड जो है थोड़ा एक्शन स्ट्रिक्टली एक्शन उठाए रशिया के टूवर्ड्स। क्यों? क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में आपको बताओगे स्विस बैंक बहुत फेमस है, जिसमें बहुत सारे मिलियन ट्रिलियन में जो डॉलर्स हैं पैसा जो है वो यहाँ जमा करके रखते हैं लोग, ठीक है। मेनली कह सकते हो आप ब्लैक मनी, वर्ल्ड की ब्लैक मनी यहाँ समिट होती है, इकट्ठी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर रशिया का ही, स्पेशली पुतिन का ही अगर आप वर्थ देखोगे तो $8.8 बिलियन जो पैसा है वो रशिया का जो है इस स्विस बैंक के अंडर में है, ठीक है। तो राइटर बता रहे हैं कि स्विट्ज़रलैंड ने ऑल्दो इनका कोई असेट वगैरह फ्रोज तो नहीं किया इस वॉर के वजह से, ठीक है, खैर, लेकिन इस बात को कम करने के लिए लेकिन जो है एक्शंस लिए जा रहे हैं। अब जैसे यूक्रेन में जो है आगे वॉर वगैरह ना बढ़े, तो स्विट्ज़रलैंड ने अभी कुछ टाइम पहले भी अक्टूबर में है ना यूक्रेन माइन एक्शन कॉन्फ्रेंस को भी कंडक्ट कराया था, और इसमें ये बोला था कि स्विस की तरफ से CHF, जिसको स्विस का फेडरेशन बोल
बोलते हैं, उसकी तरफ से 1 लाख जो है प्लेज दिया जाएगा आने वाले 4 साल तक के लिए, ठीक है। ऑल दो स्विस ये कहता है जर्नलिज्म को कि जर्नलिस्ट को कि पुतिन की फैमिली और उसकी जितने भी चीज़ें हैं उसको निगरानी देखी जाती है स्विजर के द्वारा, स्विस के, लेकिन अभी तक स्विट्जरलैंड ने ऐसा नहीं है कि रशिया के ऊपर एक्शन उठाने के लिए उनके जितने भी असेट्स स्विस बैंक में सबमिट है उसको फ्रीज कर दिया, उसको फ्रोजन कर दिया, और ऐसा कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ बात आ जाती है कि देखिए पीस क्लॉज की अगर हम बात करते हैं, देखिए रशिया राइटर बता रहे हैं कि रशिया भी चाहता है कि इस पर पेनलाइज किया जाए स्विट्जरलैंड के द्वारा, लेकिन हाँ बट जो है रशिया कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है नाराज़ है, जब ये बात चल रही थी डिस्कशन की जून में होगा, क्यों रशिया नाराज़ है, क्योंकि देखिए स्विट्जरलैंड क्या कर रहा है, जेनेवा की जो भी जेनेवा के साथ साथ और भी जो कंट्रीज़ हैं साउथ कॉकेशियस माउंटेन, कॉकेशियस माउंटेन्स वो जो आपके रशिया और यूरोप के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या है मेनली, अब देखिए स्विट्जरलैंड क्या है, बाकी जितने भी G7 मेंबर्स हैं, नाटो के मेंबर्स हैं, इन सबको इन्वॉल्व कर रहा है वो इस पीस क्लॉज में। तो कहीं ना कहीं जो है रशिया नाराज हो रहा है कि इन दो लोगों के, यूक्रेन और रशिया के वॉर में बाकी लोगों को क्यों इन्वॉल्व कर रहा है रशिया, तो इस चीज से थोड़ी सी जो है रशिया की तरफ से नाराजगी जताई जा रही है। खैर इसके अलावा जो है यूक्रेन की जो प्रेसिडेंट है वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की, ठीक है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं हम सपोर्ट करते हैं स्विट्जरलैंड के इस चीज को और ये बात आगे बढ़े। और इसके साथ साथ जो और भी हैं मेंबर्स हैं और कंट्रीज के, स्विट्जरलैंड ने और भी जैसे G7 के मेंबर्स हैं, अब जैसे उसमें यूरोपियंस हैं, ब्राज़ील है, रशिया है, इसके अलावा और भी कंट्री, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इन सबको भी जो है बुलाया है, और ये 100+ कंट्रीज जो है एग्री हो चुकी हैं किस चीज़ के लिए, इस जून में होने वाले पीस क्लॉज की बात करने के लिए, ठीक है। इवन जो है आगे से सऊदी अरब के स्विट्जरलैंड के जो वो हैं जो डिप्लोमैट हैं वो इस बार मार्च में भी आए इंडिया में, स्पेशली जयशंकर जो हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, इनसे बात करने के लिए, क्योंकि देखिए इन्हें भी पता है कि रशिया और इंडिया का रिलेशन काफ़ी अच्छा है, ताकि इंडिया कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करे रशिया को, स्पेशली पुतिन को, कि इस मीटिंग में वो ज्वाइन हो, ठीक है। क्योंकि मेन तो रशिया का होना ज़रूरी है ना, क्योंकि पीस क्लॉज तो रशिया और यूक्रेन के बीच में होने वाला है, ठीक है। तो खैर अब देखिए अब बात कितनी है कि कितना वो अपने आप को जो है इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, बाकी देखा जाएगा आने वाले टाइम पे कि ये जो पीस क्लॉज है वो नॉर्थ साउथ को लेकर होगा या कुछ नई चीज़ों को लेकर आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि भैया स्विट्जरलैंड जो है कि ऐसा क्या है इसमें कुछ अच्छी चीज़ें जो इसने अभी तक बहुत सारे सेवरल स्टेट्स में कुछ अच्छी चीज़ें करी हैं, जैसे अगर आप बात करोगे स्विट्जरलैंड भी एक डिप्लोमेटिक कंट्री है, ठीक है, और डेमोक्रेटिक भी है वो, और बहुत सारे क्लॉज में उसने अपना जो है अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी दिया। अगर रिसेंटली 2021 की बात करें तो जॉय बिडेन और इसने जो है पुतिन की, ठीक है, जॉय बिडेन और पुतिन की जो फेस टू फेस मीटिंग हुई थी 2021 में, वो कंडक्ट किसके अंडर हुआ था, स्विट्जरलैंड के अंडर में ही हुआ था। तो इस तरीके से क्लॉज में है ना स्विट्जरलैंड ने बहुत ही अच्छा जो है अपना एक रोल प्ले किया है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है राइटर यहाँ ये बता रहे हैं, इसके अलावा अगर आप पुराने टाइम की बात करोगे तो 1985 में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय जो यूएस के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन और रशिया के जो प्रेसिडेंट थे मिकाली गॉर्बेचे, तो उनके बीच में भी जो जेनेवा में मीटिंग हुई थी उसका भी जो बहुत बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूटर है वो स्विट्जरलैंड ही है। इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट के बीच में जो पीस टॉक चलते हैं उसमें, ठीक है, अभी जैसे पीस बोस्निया में जो है जनरल फ्रेमवर्क हुआ था पीस उसमें, इसके अलावा 1995 में जो डाइटन एग्रीमेंट हुए थे, ठीक है, इन सारे में जो है स्विट्जरलैंड ने बहुत ही रोल प्ले किया है। इवन अफ्रीका में जब रेसिस्ट रिजाइम चल रहा था कि रेसिस्ट को खत्म करके जो है अफ्रीका में डेमोक्रेसी को लेके आने का जो मोमेंट चला रहे थे नेल्सन मंडेला जी, उसमें भी जो है आर बिचोशॉप मतलब यानी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पदवी है, एक पोस्ट है क्रिश्चियनिटी में, ठीक है, पोप जिनको बोलते हैं ना, जो लीडर्स होते हैं क्रिश्चियनिटी के, उनका एक पोस्ट है ये आर्ची बॉशप, उन्होंने जो है लीड किया था कि नहीं इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए रेसिस्ट में, क्योंकि ये स्विट्जरलैंड से रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है। तो इन्होंने साउथ अफ्रीका में भी इस चीज़ को मतलब इन द सेंस राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि स्विट्जरलैंड का रोल डिप्लोमेटिक में कितना काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और अगर आप बात करोगे कि स्विट्जरलैंड जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है, और अगर आप इसके लेवल की बात करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, देखिए एक तो मेनली बात यहाँ पर है कि यहाँ पे जो लोग हैं ना वो काफ़ी लिटरेट हैं, तो यहाँ पे यहाँ की गवर्नमेंट हो, यहाँ का जो सिस्टम है वो ओनली मेनली वो क्या करता है, कोई भी इशू हो या कोई भी लॉ मेकिंग है तो उसको पहले फुल रीडिंग पे फोकस करता है कि पहले रीड किया जाए, उसके मुद्दे को पहले समझा जाए, ठीक है, घर घर में दिया जाता है कि क्या इशू है। अब जैसे कोई इलेक्शंस की भी बात होती है कि अगर एक ही सिंगल बैलेट में किसी बंदे को सेलेक्ट करना, तो उसमें भी जो है लोग बंदे घर घर जाके जो है डिस्कशन करते हैं, फेडरल लेवल पे जो है डिसीजंस लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अपने खुद
के लेवल पे भी काफ़ी अच्छा जो है प्रोग्रेस देखा गया है डेमोक्रेसी में। इवन अगर आप इन इस कंट्री की बात करोगे फिजिकल अपीयरेंस की भी, तो देखिए ये वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट जो है, 10 जो सबसे बड़े बिगेस्ट ब्रांड कंपनीज है ना, वो चाहे वॉच से लेकर चॉकलेट हो, मशीन टूल्स हो, बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनीज हो, बड़ी बड़ी कंपनी जितनी, ठीक है, वो सारी जो है स्विट्जरलैंड से ही है। ऑल्दो ये बहुत छोटी कंट्री है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 9 मिलियन ही लोग रहती हैं, लेकिन इसका जो मोटिव है ना, पता है क्या है, इस कंट्री का है ना, हर चीज़ में ये राइट डायरेक्शन और डेमोक्रेटिकली काम करता है। ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड कि सही डायरेक्शन में, सही कानून कायदे के साथ और डेमोक्रेटी को बचाने में जो है ये लगा रहता है, इसीलिए जो है अपने डिप्लोमेट्स में ये सक्सेस हो पाता है, ठीक है। खैर अब जो है आने वाले टाइम पे देखते हैं कि ये जो है पीस क्लॉज है वो कितना सपोर्ट करता है रशिया यूक्रेन के वॉर में, कितना ज़्यादा जो ह्यूमन के राइट्स की बात करता है कि व्हाट इज़ अ राइट, व्हाट इज़ ह्यूमन, तो इन चीज़ों पे देखा जाएगा। क्योंकि ये सारे जो वॉर है, राइटर बता रहे हैं कि 1945 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जब गन की शूट चल रही थी तो उस चीज़ को याद दिलाती है। तो यहाँ पे हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1950 में हमने एक जनेवा कन्वेंशन भी किया था जो कि मेनली जो है प्रोटोकॉल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को बचाने के लिए, ताकि हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये प्लेज लिया गया था ग्लोबल की कंट्रीज़ के द्वारा कि अब से हम वॉर नहीं करेंगे, जिससे क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमन का लॉस, रिसोर्सेज का लॉस होता है, नेशंस का डेवलपमेंट ब्रेक होता है, तो इसी वजह से जनेवा कन्वेंशन भी क्लॉज पास किया गया था। लेकिन खैर अब जो है मीटिंग होगी इस बार जून में, लेकिन ये फाइनल नहीं है, राइटर कह रहे हैं कि फाइनल नहीं है, आने वाले टाइम पर पता चलेगा कि क्या है इसका डिसीजन, क्या होता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये एक आर्टिकल था। नेक्स्ट, हाँ, तो दूसरा केस जो है वो दिल्ली मेट्रो का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है 10 अप्रैल को भी फाइनल वर्डिक्ट दिया, जो कि पिछले 10 साल से ये केस चल रहा था, 2017-18 से, इवन पुराना अगर केस अगर ओरिजिनल देखे तो 2010 के आसपास से चल रहा है ये केस। इसका जो है फाइनली वर्डिक्ट दे दिया है, मतलब जो पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया उसी को जो है बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है कि क्या बोलते हैं कि कोई भी जो, क्योंकि सबसे बड़ा जो मेन डिसीजन है आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने, छोटे लेवल पे आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने इसका जो है दिल्ली मेट्रो और डैम्पल यानी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस के बीच में जो इशू था इसमें उसी चीज़ को बरकरार रखा है। देखिए अब बात जाती है, चेंज कुछ नहीं किया है डिसीजन में, ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट में जो है चंद्रचूड़ वाई के कंटेक्स्ट में गया था। अब बात आ जाती है कि भाई मुद्दा क्या है, ठीक है, पहले एक बार उसको ग्लांस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको है ना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ क्या है मुद्दा। एक तो है आपका, हाँ, यहाँ पे दो पार्टीज़ हैं, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे ना दो पार्टीज़ हैं, कौन है, एक तो है आपके दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, दूसरी पार्टी है कौन सी है, डैम्पल है यानी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। देखिए केस क्या है इसमें, अभी क्या है दिल्ली में 2010 की बात है ये, ठीक है, 2010 में क्या हुआ कि दिल्ली मेट्रो ने, देखिए ये जो आपका DAM है ना, ये DAM जो है आपका दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये जो है आपके रिलायंस के जो रिलायंस ग्रुप जो है उनका है ये कंपनी, ठीक है, और DMRC आपका दिल्ली मेट्रो आपका रेल कॉरपोरेशन, इन्होंने क्या बोला था कि आपके जो साउथ दिल्ली है, ठीक है, साउथ दिल्ली में इन्होंने एयरपोर्ट एक्सप्रेस वे बनवाने के लिए बोला था किसको, डैम्पल को, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म हम डैम्पल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो दिल्ली रेलवे ने DMRC ने, ठीक है, किसको, डैम्पल को बोला था कि भैया आप जो है एक्सप्रेस रेलवे बनवाओ, यानी एक्सप्रेस यानी मेट्रो के साथ, मेट्रो का जो रूट निकलता है, अगर आप दिल्ली में पता होगा तो साउथ दिल्ली में पड़ता है ये, ठीक है, कि जो इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ के आसपास के जो मेट्रो है उससे जो है आपको क्या कनेक्ट करना है, आपके एयरपोर्ट को कनेक्ट करना है, तो उसमें एक लाइन बिछवानी थी 2010 के आसपास की बात है ये, ठीक है। तो अब इससे पहले मेट्रो तो आपके DMRC ने बना दिया था, तो यहाँ पे जो आपका एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस है वो आपको डैम्पल को बनवाना था, यानी रेलवे रिलायंस के ग्रुप वालों को बनवाना था। तो अब बात क्या हुई, यहाँ पे बात शुरू हो गई, ठीक है, इन्होंने बनाना भी शुरू कर दिया, ठीक, लेकिन बात क्या हुई इसमें, DMRC ने कहा कि भैया जैसे आप ये लेन बनाना शुरू करो, तो उस समय जो रेलवे है ये भी इसी डैम्पल के अंडर में था क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो इन्होंने DMRC ने बोला कि आप कंस्ट्रक्शन करो, लेकिन इसके साथ साथ जो है आप क्या करो,
इसमें आने वाले दिल्ली की जो पैसों, क्योंकि इन्होंने पूरे इस लाइन की जो मेट्रो है इसको भी डेम्पल ने अपने अंडर में ले लिया था, तो इसका जितना भी बिल्डिंग है, इसके जितने भी उस समय चलने वाले जितने भी मेट्रो है, जितनी लाइन, उसका सारा पैसे का कंट्रोल भी डेम्पल के अंडर में था। तो DMRC ने कहा कि आपको थोड़ा बहुत पैसा तो हमें देना ही पड़ेगा, ठीक है, जितने दिन ये काम चलेगा, ठीक। तो अब बात यह आ जाएगी कि DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेलवे ने, इन्होंने बोला था डेम्पल को, यानी रिलायंस ग्रुप को बोला कि पैसा देने के लिए। तो अब बात क्या है कि काम चलता रहा, ठीक है, लेकिन एक साल बाद डेम्पल ने ये बोला कि भैया अब हम इस प्रोजेक्ट को जो है रोक रहे हैं, हमसे नहीं होगा। क्यों रोक रहे हैं? इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है हमारा जो बजट है, ठीक है, इन्होंने डेम्पल ने कहा यानी रिलायंस ग्रुप ने कहा कि हमारा जो बजट है वो ये है कि 40,000 जो है पर दिन हमारा खर्च होने का है, लेकिन यहाँ पे एक्सीड हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो मेट्रो लाइन बनी हुई है ना, ये देखिए 2010 का डेटा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो मेट्रो लाइन है इसमें बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं। तो हमारा जब यहाँ पे हम अपना मेट्रो लाइन बिछा रहे हैं, दैट मीन्स हमारा जो एयरवेज का यानी थोड़ी एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन जब बिछा रहे हैं, तो इसमें हमारा जो कॉस्ट है वो ज़्यादा बैठ रहा है। और ऊपर से जो रेलवे है, दिल्ली मेट्रो की रेलवे कॉरपोरेशन है, उसने हमसे पैसा भी मांगा है कि हमें पैसा भी देना है जब तक ये काम चल रहा है, यानी जो मेट्रो लाइन है उससे निकलने वाले पैसे। तो इन्होंने बोला कि हम ये काम नहीं कर सकते, हमारा खर्चा हमारे बजट से ज़्यादा बैठ रहा है, ठीक है। तो इसमें एलिगेशन का जो है, अब इसमें रिलायंस ग्रुप ने क्या कर दिया, इस प्रोजेक्ट को रोक दिया, ठीक है। तो इस पे जो है इन दोनों के बीच में जो है आर्बिट्रेशन का केस छिड़ गया। क्यों? क्योंकि रिलायंस ग्रुप ने कहा कि भैया यहाँ पे जो है हमारा घाटा हो रहा है, रिलायंस ग्रुप ने कहा हमारा जो है लॉस है, और इसमें जो है DMRC ने जो है चीट किया है, DMRC ने जो है फ्लॉज के साथ जो है ये जो मेट्रो है ट्रैक है उसको बनाया है, तो हम इस पे काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पैसा डबल आ रहा है। तो इसी बात को लेकर जो है केस छिड़ गया, ठीक है, और क्लियर नहीं है इसका मामला क्या था, इन दोनों चीज़ों को लेकर ही केस छिड़ गया। फिर जो है यहाँ पे अब ये केस गया कहाँ पे, अब यहाँ से 2080 में, देखिए 2008 से केस शुरू होता है, एक बार लाइन देखते हैं क्या है, टाइमलाइन देखते हैं। 2008 में जो डेम्पल यानी रिलायंस ग्रुप है, इनको जो है ये दिया गया था कि 30 साल तक आपको, 30 साल तक आपको लीज पे दिया जाएगा। जैसे आपको पता है कि कोई भी रेलवे या कोई भी मेट्रो बनती है तो क्या होता है कि आपने बनाया, फॉर एग्जांपल ये रिलायंस ग्रुप ने बनाया, अब आने वाले 30 साल तक ही इसी के अंडर में होगा, क्योंकि वो 30 साल में उस सारे पैसे को जितना भी उसने कंस्ट्रक्शन में लगाया वो 30 साल में वो कलेक्ट करेगा लोगों को ट्रैवलिंग करवा के, है ना। ये तो सेम जो टोल टैक्स आप पे करते हो सड़क पे, इनमें भी होता है ये सेम चीज। तो 2008 में ये बात साइन हुई थी। अब 2011 में आते आते क्या हुआ कि जो है ये ऑपरेशनल शुरू हो गया था ये काम, लेकिन अप्रैल 2012 में डेम्पल यानी रिलायंस ग्रुप ने बोला कि पेमेंट जो है हम DMRC को नहीं देंगे, क्योंकि कुछ पैसा जो इनको क्योंकि डेम्पल जो रिलायंस ग्रुप में जो पैसा था वो थोड़ा बहुत पैसा इन्हें DMRC को भी देना था। ये बात पहले हो चुकी थी कि डेम्पल यानी रिलायंस ग्रुप देगा DMRC को, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन को देगा, लेकिन 2012 में इसने कहा कि इसने डिले कर, हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो है इसने क्या करा, 2012 से डेम्पल ने यानी रिलायंस ग्रुप ने पैसा देना डिले किया। अब 2012 में डेम्पल ने क्या करा, इनिशिएटिव टर्मिनेशन करना शुरू कर दिया, जो एग्रीमेंट बना था 30 साल का कि 30 साल तक जो है डेम्पल यानी रिलायंस ग्रुप जो है इसको बनाएगा। अब 2013 में इसने टर्मिनेशन करना शुरू कर दिया 12 से। अब 2013 में अब यहाँ पे जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग शुरू हो गई, क्योंकि आपने आधा काम शुरू कर दिया, एक साल काम शुरू हुआ और बीच में आपने एयरप्रेस जो एक्सप्रेस है वो आपका जो मेट्रो से ज्वाइन करने वाला जो आपका एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस है उसको आधे में छोड़ दिया, तो यहाँ केस चलने लगा 2013 में। अब 2017 में जाके जो है पैनल ने डिसाइड किया, आर्बिट्रेशन पैनल ने, कि भैया जो है फेवर डेम्पल किसके, रिलायंस ग्रुप के फेवर में केस आया, और ये बात बोला कि जो आपकी दिल्ली मेट्रो रेलवे है ना वो कम से कम जो है 2,500 करोड़ जो है 2,500 करोड़ के आसपास जो है विद इंटरेस्ट के साथ आप लगा लोगे तो कम से कम 4,000 करोड़ के आसपास लगेगा, ठीक है। तो इसमें डिसीजन 2017 में आया कि 4,000 करोड़ जो है नियर अराउंड रेलवे दिल्ली मेट्रो रेलवे को किसको देना पड़ेगा, रिलायंस ग्रुप को देना पड़ेगा, ये इनके फेवर में आया ये केस, ठीक है। तो 2018 में वापस क्या हुआ कि दिल्ली ने जो है यानी DMRC जो आपका दिल्ली मेट्रो रेलवे है उसने 2018 में क्या किया, हाई कोर्ट में वापस इस केस को बनाया, केस लेके गया हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या करा, इसको रिफ्यूज कर दिया कि जो ये आर्बिट्रेरियल अवार्ड वाला जो केस था इसको रिफ्यूज कर दिया। फिर 2019 में क्या हुआ, वापस से दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जज बेंच ने क्या किया, जो आर्बिट्रियल अवार्ड है, आर्बिट्रियल अवार्ड मतलब यानी आपके दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन को जो है जुर्माना देना पड़ेगा, किसको, आपके डेम्पल को, ठीक है, यानी रिलायंस ग्रुप को, ठीक।
तो ये वाला जो है इसी चीज़ को वापस इन्होंने क्या किया, दिल्ली मेट्रो, अब इस चीज़ को बरकरार रखा गया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा भी, 2 जज बेंच ने फिर वापस जो है आपकी दिल्ली मेट्रो रेलवे जो है इस केस को लेके गई सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से ये 2021 से केस चलता चलता अब 2024 के 10 अप्रैल को फाइनली वर्डिक्ट आया है और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खास बदला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट बेंच ने जो बोला वही बात जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रखेगी, दैट मीन्स दिल्ली मेट्रो रेलवे को अब जुर्माना भरना पड़ेगा, यानी जो है आर्बिट्रियल अवार्ड जो है वो देना पड़ेगा किसको, आपके डेम्पल यानी रिलायंस ग्रुप को ही, उसी को ही बरकरार रखा है। तो यहाँ पे जो है इस पूरे आर्टिकल में पता है क्या डिस्कशन है, ये है कि एक आर्बिट्रेरल जो है यानी आपका जो निचले लेवल का जो वो होते हैं क्या बोलते हैं आर्बिट्रेशनल जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ना नीचे लेवल के, क्योंकि सुप्रीम इसके ऊपर ही तो हाई कोर्ट, क्योंकि सेशन कोर्ट्स होते हैं फिर हाई कोर्ट्स होते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि केस का जो वर्डिक्ट है वो पहले ही आर्बिट्रेरल सेशन ट्रिब्यूनल दे देता है, लेकिन वापस से सुप्रीम कोर्ट तक जाने से क्या होता है कुछ नहीं होता, जुडिशरी में डिले ही होती है, क्योंकि जो है यहाँ पे गलती डीएमआरसी की है। डैम्पल अपनी तरफ से बात सही बोल रहा था क्योंकि इसका जो बजट है जो इसने मेंशन किया कि जित बजट पे देगा उससे ज़्यादा कॉस्ट बियर कर रहा है और उसको यहाँ पे काम करना पड़ा, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है इस पूरे आर्टिकल में बताया गया है। तो यही चीज़ जो है इस पे बताया गया है कि इन्होंने जो अब जो ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच लीड कर रही थी वो चंद्रचूड़ जी की थी, ठीक है। फाइनली इन्होंने जो डिवीजन बेंच दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा उसी चीज़ को इन्होंने मेंटेन रखा है और ये केस 2011 से है पीपीपी, क्योंकि देखिए ये मॉडल था कि गवर्नमेंट आपके दिल्ली मेट्रो गवर्नमेंट के बीच में, दिल्ली गवर्नमेंट और जो है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के बीच में मॉडल, जो यानी प्राइवेट प्लेयर्स और गवर्नमेंट मिलकर जो मॉडल्स बनाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका एक केस था, ठीक है। तो इस बीच में इससे एक पता चलता है जब गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में जब चीज़ें सही नहीं चल रही होती है ना, तो इसी वजह से क्या होता है वो प्रोजेक्ट भी अटक जाता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट तो हो गया क्योंकि डीएमआरसी ने पूरा बना दिया इस रेलवे इसको मेट्रो को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अनमन से क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स कई कई सालों तक तो कई प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे पूरा बताया गया है और जो है अपेक्स कोर्ट जो मेनली इसमें ट्रिब्यूनल्स हैं उनको आर्टिकल 142 की तरह के तहत जो है इन्हें पावर्स दिया जाता है, ठीक है, केस को लड़ने के लिए। बाकी सेम यही चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने रखा और कितना पेनल्टी था जो मैंने आपको बताया, तो ठीक है। तो थैंक यू।